जान लेना मेरा नशा है। मोहित सूरी से इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी घटिया पिक्चर बनाएंगे। आशिकी की बात लगा था, आशिकी 2 इन्होंने बनाया होगा, रोमांस होगा, प्यार होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रग्स और बिना मतलब की फाइट। और मूवी वॉज ग्रेट। आपको मोहित सूरी का डायरेक्शन पता रहेगा, मतलब मैं एक्सपेक्ट करके गया था अच्छी रहेगी और मूवी खरी उतरी। हम सबको लाइफ में ना फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, जो मन करे वो कर सके। अच्छी है मूवी, स्टोरी कुछ अलग है, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, यंगस्टर्स को भी देखना चाहिए। जैसे उसके अंदर का एक जो मोटिवेशन आता है, एक अलग साइड पॉजिटिव है भी, उसका देखना चाहिए। यू टेल मी, तुम्हारे लिए सुकून क्या है? I loved it. मतलब मोहित सूरी का जो भी डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है, and this time it's better than before. मूवी यार काफ़ी अमेजिंग है और मैडनेस की कहानी है, पूरी तरह से एक मैडनेस है और इस जनरेशन के हिसाब से है। मीन्स आपने जितने भी मोहित सूरी की मूवीज़ देखी होंगी उसमें अलग अलग हिस्से में दिखाया गया प्यार का मीनिंग, लेकिन इस बार प्यार का मीनिंग बहुत ही अलग तरह से डिफाइन किया गया। और आजकल जैसे 2020 में चल रहा है, स्टोरी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब मैच्योर लव स्टोरी है तो डिफरेंट है। और मोहित सूरी के फिल्म में मर्डर्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, मर्डर 2 इक्विवेलेंट, तो वैसे ही टाइप मर्डर रिपोर्ट करना है ऐसा। दिशा पटानी इतनी खूबसूरत है, उन्हें लड़का बहुत अच्छा है, पता कि अच्छा रोमांस होगा, लोकेशन गोवा है, कुछ अच्छा मैसेज होगा, लेकिन कुछ नहीं। वो बस उनको खुद मालूम नहीं कि कौन सी अंग्रेजी पिक्चर देख ली थी उन्होंने जो उसको सड़ा गला रूप बना दिया। दम तो है यार, स्टोरी बहुत अच्छी है मोहित सूरी की, हमेशा से डायरेक्शन हमेशा अच्छी रही है, उनकी स्टोरी लाइनअप भी बहुत अच्छी होती है। सो करेंटली द फर्स्ट लुक फॉर दिस मूवी इज थम्स अप, इट्स अ नाइस मूवी। जिसने भी ये किया है वो कोई आम किलर नहीं है, आज का अंधेरा बहुत गहरा होने वाला है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आजकल जितनी भी मूवीज आ रही है आप स्टोरी का अता पता नहीं रहता है, इसमें स्टोरी काफी ज्यादा एंगेजिंग है। देखने के बाद अगर बोलोगे यार बकवास है तो प्लीज यार मत कहना, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। बहुत भारी, मतलब बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री लगी और एक्टिंग तो अजय रॉय कपूर ने बहुत। खामोशी कान फाड़। अनिल कपूर ने फनी एक्टिंग की और बहुत बहुत बढ़िया एक्टिंग की अनिल कपूर ने। अनिल कपूर की एक्टिंग इज द बेस्ट, अनिल कपूर की सबसे ज़्यादा, उनकी और दिशा पटानी, शी वॉज डैम हॉट। अनिल कपूर ने फिर से बहुत अच्छी वापसी की है। मेरी माता। अनिल कपूर से अच्छा बेस्ट किया है। आदित्य रॉय कपूर एक्टिंग, आई लव्ड इट, मतलब उनकी जो हमेशा जो एक्टिंग होती है उससे हटके थोड़ा बोल्ड, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, आई लव इट। अनिल कपूर तो बाप है। हाँ अनिल कपूर और कुणाल कपूर को कंपेयर मत करो यार, अनिल कपूर जीत जाएगा। मलंग सॉन्ग द फेवरेट। साला हम किलर लोग का हार्ट सही जगह पर नहीं होता। यू कैन से कि अच्छा है जैसे यंगस्टर्स के लिए, और भी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो यंगस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर है। हाँ सॉन्ग ठीक है पर फिल्माएं वैसे नहीं है, कोरियोग्राफी बहुत ही घटिया है। मलंग का टाइटल ट्रैक एंड हमरा हुआ द बेस्ट सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं और खास करके मलंग का टाइटल ट्रैक, और मलंग से रिलेटेड ही एक और भी गाना डाला गया है जो कि क्लाइमेक्स और बीच में यूज़ किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सीन के साथ में अटैच दिखता है। आप देखोगे जो सीन देख रहे हो और जो गाने का लिरिक्स आ रहा है और जो आवाज़ है सिंगर की एकदम परफेक्ट लगी है उस जगह पे। जान लेना मेरा नशा है, जान लेना मेरी ज़रूरत है, जान लेना मेरी आदत है, जान लेना मेरा मजा है। 4.5 4.9